पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्र एवं दिल्ली राज्य केंद्रीय संस्थाओं में कार्यरत सभी कर्मचारी एवं अधिकारी ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के तत्वाधान में आगामी 10 दिसंबर को भारी संख्या में एक बार फिर जंतर मंतर पर जुटेंगे और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के दिल्ली सरकार के जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में विभिन्न विभागों में मीटिंग्स आयोजित की गई और कर्मचारियों को अधिक से अधिक संख्या में जंतर मंतर पहुंचने का ऐलान किया गया। शास्त्री पार्क स्थित जग प्रवेश चंद्र अस्पताल से AINPSEF के उपाध्यक्ष टीकम यादव एवं उनकी टीम के सदस्य दिल्ली के सभी हॉस्पिटल स्कूल एवं सभी सरकारी कार्यालय में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या कुछ कहना था इन अधिकारी गणों का, देखिए रिपोर्ट। मैं टीकम सिंह यादव एनपीएस एम्प्लॉयज ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन का दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष। आगामी 10 दिसंबर को हमारा जंतर मंतर पे पेंशन जय घोष रैली का आयोजन किया जा रहा है। उसमें मुख्यतः केंद्रीय कर्मचारी और यूनियन टेरिटरी के कर्मचारी उपस्थित होंगे तथा अन्य सभी राज्यों से भी सभी कर्मचारी संगठन इसमें भाग लेंगे। इसमें हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनजीत सिंह पटेल जी के नेतृत्व में आंदोलन करेंगे और सरकार के सामने पुरानी पेंशन बहाली का की मांग रखेंगे। हम सरकार से जो नई पेंशन में खामियां हैं उनको उठाना चाहते हैं और हमें भी 60 साल के बाद हमारी रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन मिले, उसके लिए सरकार से आग्रह करेंगे और पेंशन जय घोष रैली के माध्यम से अपना आक्रोश प्रकट करेंगे। इस कार्यक्रम में, इस रैली में सभी प्रदेशों के संगठन शामिल होंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 दिसंबर को आने वाली आज से ठीक 2 दिन के बाद जंतर मंतर नई दिल्ली पर सभी देश के 85 लाख कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम लोग एक विशाल धरना रैली का आयोजन कर रहे हैं जिसका नाम है पेंशन जय घोष रैली। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के 85 लाख कर्मचारी और उनके परिवारों से सबसे अपील करता हूं कि अपने हक पुरानी पेंशन बहाली के लिए 10 दिसंबर को जंतर मंतर नई दिल्ली जरूर पहुंचे। उस दिन निश्चित रूप से ये एनपीएस के लिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।